लास्टली हम बात करने वाले हैं ओप्पो के ये 54 डिवाइस में आप नेटवर्क की स्पीड को शो कैसे कर सकते हैं। जी हां गाइस, काफी कमेंट आ रहे थे इसके ऊपर आई थिंक। सो मैं आपको बताता हूं कैसे आप जो है नेटवर्क की स्पीड को शो कर सकते हैं अपने डिवाइस में। ये काफी बहुत बड़ा चीज नहीं है जिसको आप शो यूज नहीं कर सकते, लेकिन लोग कमेंट करते हैं ऐसे कि सर मेरे फोन में नहीं है, सर मेरे फोन में नहीं है, इस तरह के कमेंट काफी आते हैं इस चीज को लेके। मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे यूज कर पाएंगे अपने डिवाइस में। तो चलो हम प्रैक्टिकल एंड डेमो करके दिखाते हैं, आपको बताऊंगा कैसे आप अपने फोन के अंदर इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको ओप्पो का डिवाइस होना चाहिए आपके पास, अगर है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और गाइस कंफ्यूज मत होना, जो चीजें मैं बता रहा हूँ फिलहाल मेरे पास ओप्पो का ही डिवाइस है, लेकिन आपका यूआई जो थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन फीचर्स आपको मिल जाएंगे सारे फीचर। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको जाना है सिंपली फोन सेटिंग को ओपन कर लेना। चलो हम दिखाते हैं कैसे करना है आपको। सो फिलहाल गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा डिवाइस है एंड इसके अंदर आपको सेटिंग को ओपन कर लेना। जैसे मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ, इसमें देख सकते हो हमारा जो यूआई है आई थिंक एंड्रॉइड 9 या फिर 10 का है, मैंने कभी देखा नहीं इसको। तो मैं आपको बता देता हूँ आपके पास अगर इसका यूआई थोड़ा सा अलग है फिर भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है नोटिफिकेशन स्टेटस बार का, बट इसका शॉर्ट फॉर्म मिल सकता है, स्टेटस बार भी हो सकता है या फिर नोटिफिकेशन बार भी हो सकता है, इस तरह का भी लेगा। लेकिन आपका व्यूज मत होना, सेम चीजें आपको हो सकता है ना देखने को मिले, लेकिन अगर ये चीजें दिखने को मिलती है तो आपको इसे प्रेस करना। जैसे गाइस इसमें प्रेस करेंगे आप नीचे आना, आपको नीचे डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक मिलेगा बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन। और मेरा जो कि अभी नेटवर्क स्पीड शो है ये आई थिंक चल रहा है, मैं इसमें अगर कोई चीज ब्राउज करूँ तो दिखाएगा कितना स्पीड है हमारे नेटवर्क की, तो हम इसे ब्राउज अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। अभी नीचे आएंगे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड है ये आपको मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसे डिसेबल इस तरह रहेगा, आपको सिर्फ इसे इनेबल करना है। मैंने इसे इनेबल कर दिया। अब हम इसमें कोई चीज ब्राउज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब ओपन करते हैं, तो मैंने यूट्यूब को ओपन कर दिया, हमारा नेट ओपन है। तो इसमें जब ब्राउज करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि हमारे नेटवर्क की एक्चुअल में स्पीड कितनी है। तो गाइस देख सकते हो अब यहाँ पर हमारे पास दिखा रहा है कि हमारे नेटवर्क की स्पीड एक्चुअल में कितनी है, 32 kbps, यहाँ पर आपको 63 kbps, इस तरह से स्पीड हम चेकआउट कर सकते हैं इसका। और इसका एक फायदा और है, अगर आप चाहते हैं कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियोज वगैरह है, सॉन्ग वगैरह आप डाउनलोड कर रहे हैं, तो उससे आप जो है MBS में उसका भी डाउनलोडिंग चेकआउट कर सकते हो कि कौन से सिम कार्ड की डाउनलोडिंग MBS में है। वैसे तो हालांकि काफी सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं, काफी सारे चीजों में फीचर्स भी हैं उसे ऑन करने का कि आप टेस्ट कर सकते हैं आपके नेटवर्क की स्पीड कितनी है, बट एक्चुअली में आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट कर सकते हैं, ये काफी ईजी होता है और ये सेटिंग से ही इनेबल हो जाता है इजिली। तो होपफुली गाइस आपको समझ में आएगा स्मार्टफोन कैसे आप कर पाएंगे ओप्पो के H1 डिवाइस में। एंड गाइस अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। सो बस गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।